नमस्कार दोस्तों, फैक्ट 77 टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं ई श्रम बनाने वाली आईडी है, जो सीएससी के थ्रू आप जो लॉगिन करके और फिंगरप्रिंट के द्वारा आप जो ई श्रम कार्ड बना सकते हैं, वो आईडी आपको कैसे बनानी है ऑनलाइन बिल्कुल फ्री, तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है SCM डिजिटल सेवा। ये लिखने के बाद आपको एंटर कर देना है, यानी सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद दोस्तों फर्स्ट में जो वेबसाइट आएगी इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे क्लिक है टू न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको यूज़र टाइप में रिटेलर बनना है और नीचे अपना जो नाम वगैरह भर के और एड्रेस भर के, मोबाइल नंबर और पासवर्ड भर के जो आपको याद रखने हैं, पासवर्ड और मोबाइल नंबर दोनों, और रजिस्टर पे क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों आपकी जो आईडी क्रिएट हो जाएगी। आईडी क्रिएट होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो क्लिक हेयर टू लॉगिन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पे आपको लॉगिन टू एजेंट, यहाँ पे अपना जो वो मोबाइल नंबर और जो आपने पासवर्ड लगाया था उसको जो लगाने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन SCM डिजिटल सेवा इस पे क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद आपकी जो आईडी है वो लॉगिन हो जाएगी सक्सेसफुल यहाँ पे, और इस प्रकार का आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होगा। तो दोस्तों यहाँ से आप जो अपना आधार कार्ड भी प्रिंट कर सकते हैं, वोटर आईडी प्रिंट कर सकते हैं, वह अन्य जो आपकी जो जितने भी सेवाएं हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा ई श्रम कार्ड, तो इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ से जो अपना मोबाइल नंबर और जो ई श्रम कार्ड बनाने का प्रोसेस है वो जारी कर सकते हैं, और जो अपना CSC के थ्रू जैसे ही प्रोसेस होता है आप जो ई श्रम कार्ड बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अन्य जानकारी के लिए दोस्तों नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही टेक्निकल रिलेटेड जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।